यस, गुड मॉर्निंग बेटा. लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल. सो आई हैव रिटन फ्यू एक्सप्रेशन. यू हैव टू चेक व्हिच वन ऑफ दीज आर पॉलीनोमियल एंड व्हिच वर नॉट. प्लीज डू इट. आई एम राइटिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस. Yes, who will answer? Yes, Bhavansh, Charvi. Only 2-3 students are responsible for giving answers. What about the other students? Then why they are here in the class if they don't want to give response? Hurry up. Do this question. Chalo answer do. Yes, Dhairya, Harmeet, Jaydev. First question mein kaun si expression polynomial hai? Ma'am, A or D? A or D? A or मैम लास्ट क्यों ये नहीं है मैम ये है मैम ए बी एंड डी ये भी मैम मैंने वो लिखा नहीं था हाँ जी मैंने वो लिखा नहीं था ये पॉलिनोमियल है ये नहीं है यस ये भी नहीं है फोर्थ भी नहीं है ये है लास्ट ठीक है चलो नेक्स्ट करो स्टार्ट अपनी मर्जी से एग्जांपल दो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 7 कोई भी टू टर्म्स जिनमें पावर 7 हो एक्स रेज टू पावर 7 वाई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 5 वाई रेज टू पावर 7 माइनस 3 कुछ भी लिख सकते हो आप लिखो आप तब तक मैं और क्वेश्चन लिख रही हूं Yes, Titiksha. Yes, ma'am. हाँ जी. Binomial of degree 7. Ma'am, right binomial. Ma'am, x raised to power 7 plus 5. Hmm. Okay, Karan. Y raised to power 7. और y raised to power 7 plus x raised to power 3. ठीक है. Yes, Karan. Trinomial yes, of degree 35. X raised to power 2, Y raised to power 35, Z raised to power 3. Okay. Now in the next, you have to write the degree coefficient of X square. Yes, Bhavansh? Ma'am, 1. Coefficient of X square, 1. Okay, next. Yes, Bhavansh?
well, next is also 1, minus 1. Anji? Minus 1. Ma'am, B power, answer minus 1. Minus 1, okay. Minus 1. Yes. Next. Ma'am, third 0. क्या क्या दोबारा बोलो दिव्या मैम जीरो वाई जीरो मैम जीरो वाई जीरो मैम वन मैम कटिंग करके वन आता है यस वन आएगा बच्चे ये देखो ना ये एक्स क्यूब है ये एक्स है सेम है एक एक्स कट कर दोगे तो व्हाट इज लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इसकी इसका कोफिशिएंट क्या है वन आप तो सीधा ही आंसर दे रहे सीधा थोड़ी देना है आपने तो उसको पहले सॉल्व करना है देन यू विल गिव द आंसर मैम पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था उसमें था एक वैल्यू दी हुई थी वो वाला भी एक बार डिस्कस कर दो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है आप या तो क्वेश्चन मुझे सेंड कर दो मैं करवा देती हूं नहीं तो कल आप... उसमें था कि यस कल अगर आप में था कि ऊपर थ्री ऐसे बड़े से क्वेश्चन थे आप ये दिए और लिख देती हूं मैं क्वेश्चंस आप ये करो ठीक है नेक्स्ट देखो ओके मैम नेक्स्ट रिद्धिमा यस मैम जीरो हाँ बेटा आपने सॉल्व किए इसे मैं भी कह रही हूँ सॉल्व किए बिना आंसर नहीं देना पहले सॉल्व करो फिर आंसर देना इसका मैम उसका आंसर मैम जैसे 3/2 है ना मैम वो 2 मैम वो दूर से कट जाएगा मैम फिर वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा मैम फिर वो जो 3/2 का मैम 2 है ना वो रूट से कैंसिल हो जाएगा मैम फिर एक्स और एक्स क्यूब कट जाएगा मैम वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर एक्स रेज टू पावर 3/2 और इसका मीनिंग क्या है एक्स की पावर 1/2 ठीक है एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2 x की पावर 1 आ रहा है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आएगा क्योंकि x स्क्वायर है ही नहीं यस Do these and tell me the answers. Yes, answer of the first degree of root x into x square. Yes, Bhavansh? Ridhima? Ma'am, do. Ma'am, 2. Degree kya hai iski? Ma'am, 2. No, it's wrong. Ridhima? Solve nahi kiya na aapne? Bhavansh, solve kiye bina bol rahe ho. Ma'am, okay. Ma'am, one. मैम वो स्क्वायर से मैम रूट कट जाएगा ठीक है मैम वो कैंसिल हो जाएगा दोनों यस मैम
क्या आएगी डिग्री मैम? दो मिनट कर रही हूँ सॉल्व मैम. फर्स्ट की 1 डिग्री है. नो बेटा, डिग्री क्या हो गया दिव्या? पावर बच्चे, पावर क्या आएगी? मैम 5. नो मैम 2. 3/2. प्रियांशिका क्या आएगी बोलना जी दोबारा. 3/2. 3/2. प्रियांशिका मैम 5/2. यस एग्जैक्टली, इट्स 5/2. अरे क्या हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना आ रहा आपको? इसका एक्स की पावर क्या है? 1/2. ये एक्स की पावर क्या है? 2. बेस सेम है, पावर विल बी एडेड. एलसीएम लो, 2 2s are 4, आ गया 5/2. डिग्री इज 5/2. अच्छा ये पॉलिनोमियल है, डिग्री तो बता दी, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है? नो नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 5/2 का मतलब है इसको रूट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक्स रेज टू पावर 5 सेम स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5. तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. लेकिन डिग्री तो आपको पता होनी चाहिए ना कि मैक्सिमम पावर कितनी है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. नेक्स्ट करो इसी तरीके से, नेक्स्ट करो ये वाला सॉल्व इट. हरी अब डन. करणवीर बेटा माइक म्यूट करो अपना जरा. मैम 1. इसकी डिग्री, हाँ जी इसकी डिग्री 1 आएगी. दिव्या ठीक है? यस दिव्या. ओके सॉल्व करके दिखाएं एक बार. एक्स रेज टू पावर 4/3 सेम, इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट, मतलब वाई की पावर 1/3. बेस ये वाई है, बेस सेम है, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. 4/3 - 1/3, तो यहाँ आएगा वाई की पावर 3/3 + 8, वाई की पावर 1 + 8, तो डिग्री विल बी 1. डिग्री विल बी 1. Do next question that I have written. जसप्रीत आंसर नहीं देना, जसप्रीत आपने कोई? मेहर नूर, जसलीन, काव्या, हर्षिता, हर्षिता यस. Answer of this, degree of non-zero constant polynomial. Zero. Non-zero constant polynomial की degree, जैसे 1 है 2 है, ये non-zero है, तो इसकी degree 1 है, ठीक है? और degree of zero polynomial? Not defined. Not defined. Degree of zero polynomial, because zero can be written as 0, x raised to power 5, 0x raised to power 100, 0x raised to power 1000. So you can write as many powers as you want. So its degree is not defined. We will not be able to define one term. So that's why its degree is not defined. So, and degree of pi is, Arshita. Arshita, आपने कोई answer नहीं देना class में? Prachi, Pushti,
यस मैम। सौम्या ने कनेक्ट कर लिया ऑडियो। प्राची यस मैम इट्स जीरो। It's zero because it is a non-zero constant polynomial that is 22 by 7. So its degree is zero. What is the coefficient of x cube? Coefficient of x cube. Yes, Bhavansh, Dhairya, Jaydev. Ma'am, please repeat the question. Question board pe likha hua hai, coefficient of x cube. root 5 धैर्य आप भी आंसर दो नेक्स्ट क्वेश्चन को। गिव एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। मैम रूट टू एक्स पावर वन। लीनियर मींस पावर वन। सो यू कैन गिव एग्जांपल लाइक 7x 2x सिंपल एक्स वाई जेड द टर्म हुज पावर इज मैक्सिमम पावर इज वन। ठीक है नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रूट टू। यस करण डिग्री ऑफ रूट टू 1/2। डिग्री किसकी होती है वेरिएबल की ये तो कांस्टेंट है। यस पुष्टि मैम जीरो। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट रूट टू इज नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इट्स डिग्री इज जीरो। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस जयदेव। मैम वो ही आंसर करना था जीरो वाला। अब बोलो डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दीप्त कीर्ति 1। डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मींस मैम 3। मैम 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। क्वाड्रेटिक की 2 होती है। लीनियर की 1 होती है। लिख लो नोटबुक पे लीनियर पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3 लीनियर हैज डिग्री 1 क्वाड्रेटिक हैज डिग्री 2 क्यूबिक हैज डिग्री 3. Is it okay? Start next. A trinomial can have at most dash zeros. Kitni zeros ho sakti hai trinomial ki? Yes, Dia? 2 zeros. नहीं बेटा ट्राइनोमियल का मतलब हो गया 3 टर्म्स x प्लस y प्लस z उसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है तो इसके आंसर में आपके पास ऐसे दिया होगा ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव या यहाँ पे ऐसे आ सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट 3 टर्म्स। जीरोस नहीं आ सकता क्योंकि जीरोस तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि ट्राइनोमियल जो है वो सॉल्व नहीं होगा x प्लस y प्लस z सॉल्व नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल अदर कंडीशन विल गिवन। ठीक है तो यहाँ पे आएगा कि ए ट्राइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 टर्म्स। 3 टर्म्स होती हैं उसमें डिग्री नहीं टर्म्स 3 होती हैं। 3 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकती 3 से कम नहीं हो सकती। इट शुड हैव 3 टर्म्स एट मोस्ट 3 टर्म्स। ये नोट कर लो। ठीक है ये नोट कर लो बच्चे। नाउ स्टार्ट दिस।
solve this. Find the value of the polynomial at x minus 1. At x is equal to minus 1. Solve it. Yes. Ma'am, answer is 0. 0. I have written value of x minus 1 at everywhere. It will be minus 5. It will be 1. Minus 5 minus 4 plus 3. That is minus 9 plus 3. That is minus 6. How you have got 0? Mango. 4 ka 4x square. Huh? So minus, have a minus 1 put minus 1 ka square plus 1 hi to hota hai. Ma'am, no, wo 4x square whole square nahi hai. X ka square hai, whole square thodi hai. 4x square. X का स्क्वायर है सिर्फ. ओके मैम. डन. सॉल्व दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2. सॉल्व दिस सेम पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2. Tell me the answer. Yes, Soumya. Ma'am, minus 3. Minus 3. Yes, anyone else? Lisa, kya aa raha hai answer? Minus 3. Okay.